वेलकम फ्रेंड्स, मम्मी द हुनर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज का ट्यूटोरियल है स्पाइरल एयरिंग्स। आज हम प्यारे से ये एक घुमावदार एयरिंग्स बनाएंगे, जिसके लिए 2.5 नंबर का क्रोशिया लेंगे पहले, और एक अपनी मनपसंद ऊन। आप ऊन कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है, कलर के हिसाब से जो आपकी चॉइस है। स्लिप नॉट लेंगे और इसमें 32 चेन्स बनाएंगे। ये चेन्स हम अपनी लेंथ के हिसाब से लेते हैं। आप अगर इसे छोटी बनाना चाहते हैं तो कम कर दें, 20 की भी बना सकते हैं, छोटी सी स्पाइरल बनेगी। और अगर और बड़ी बनाना चाहते हैं तो 40 तक भी आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर हम थर्ड चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। एक स्टिच में हमें 3 बार डबल क्रोशिया लेना है एक ही जगह पर। इस तरह से देखिए, आप डबल क्रोशिया के लिए एक बार हम ऊन का चक्कर लेंगे और 2 बार क्रोशिया में से निकालेंगे। फिर नेक्स्ट में हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार, ये 2 बार और 3 बार। फिर हम वापस नेक्स्ट में, कोई भी कुंदा हमें छोड़ना नहीं है, हर एक स्टिच से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक स्पेस में 3 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अगर आप यहाँ पर गलती करेंगे तो आपका स्पाइरल बराबर नहीं बनेगा। स्पाइरल के लिए हमें एक ही जगह से 3 बार डबल क्रोशिया लेना जरूरी है। इस तरह से आप देखिए, एक ही जगह से हम 3 बार ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट में 1 टाइम 2 टाइम और ये 3 टाइम। इस तरह से ये हमें हर एक चेन में इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया लेकर इस लेंथ को पूरा करना है। ये बहुत ही सरल और इजी बन सकती है, सिंपल है एकदम, कोई भी बिगिनर्स भी इसे बना सकता है। देखने में काफ़ी सुंदर लगती है और आज के ट्रेंड में भी ये चल रही है, लड़कियां इसे काफ़ी पसंद करती हैं। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया से हमें इस पूरी चेन को बनाकर कंप्लीट करना है। डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं आपको पता ही है। क्रोशिया में एक बार उनको राउंड करें, फिर पुल ऑन करें और पूरा कंप्लीट करें 2 बार। डबल क्रोशिया यानी हमें 2 बार उतारना होता है और इस तरह से ये हमारा स्पाइरल बनके तैयार हो जाता है। इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में एक चेन लेकर हम सेंटर में स्लिप स्टिच लेंगे और इसकी एक्स्ट्रा ऊन को कट कर देंगे। ये ट्यूटोरियल यहाँ पर लगभग बनके तैयार हो जाता है। अगर आपको ये एयरिंग्स सिंगल कलर में रखनी है तो बस आप इसे इस तरह से भी रख सकते हैं और अलग अलग कलर की आप ये एयरिंग्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दूसरा कलर जॉइंट किया है और इसके नीचे के भाग से हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पर लेना है। सिंगल क्रोशिया आप लेते जाइए, एक बार, 1 टाइम, एक चेन में से सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है।
कोई भी स्टिच हमें छोड़नी नहीं है, हर एक चैन से सिंगल क्रोशिया बनाना है और ये जो ऊन का भाग है इसे इंसर्ट कर देना है जिससे फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह से सिंगल क्रोशिया यानी ऊन को लपेटना नहीं है, डायरेक्ट हुक में हमें डालना है और पुल ऑन करके उतार देना है। इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बनता है। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे बेसिक ट्यूटोरियल को आप देख सकते हैं, मिदा हुनर चैनल पर जाकर आपको लिंक मिल जाएगी। इस तरह से आप इस पूरी स्पाइरल की बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से स्पाइरल बनाकर हम DIY में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, किचन बना सकते हैं या फिर शो के लिए कोई फ्लावर भी हम बना सकते हैं। स्पाइरल अगर आपको बनाना आ जाता है तो उसके कई उपयोग किए जा सकते हैं। यहाँ पर हमने एयररिंग्स बनाने के लिए ये ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है। ये भी बहुत प्यारा लगता है, बहुत इजी है। इस तरह से देखिए ये दो कलर का जो पैटर्न है वह ऐसा हमें दिखाई देगा। बॉर्डर पर सिंगल क्रोशिया लेकर हमें इसे पूरा कंप्लीट करना है। हाथ को एकदम इजी रखना है। क्रोशिया बनाते समय आप ऊन को ज़्यादा ना खींचें और हाथ को ढीला रखें तो एक फिनिशिंग वाला पैटर्न बनकर तैयार होता है। अगर हम ऊन ज़्यादा खींच देते हैं तो वह टाइट हो जाता है और उसकी फिनिशिंग नहीं आती है। इसलिए अपने क्रोशिया और हाथ के जो ढीलाई है उसे एक समान रखें। सेंटर में हम लास्ट में आ चुके हैं। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे सेंटर में और इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा ऊन को कट कर देना है, थोड़ा सा शेप दे दें और इसे सेट कर लें। अब जो एक्स्ट्रा ऊन बची है उस एक्स्ट्रा ऊन को फिनिशिंग के लिए सुई या क्रोशे की मदद से आप लोग इंसर्ट कर देंगे। जैसी आपकी अनुकूलता है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एयररिंग्स हुक जो मार्केट में इजी अवेलेबल है वो यहाँ पर हमें लगा देना है। क्रोशे से भी लगा सकते हैं। इस तरह सिंपल एकदम इजी सुई की मदद से भी हम इसमें गांठ लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसे मोती डालना हो तो यहाँ पर हम एक मोती भी डाल सकते हैं जिससे और भी सुंदर ये बनकर तैयार हो जाती है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे थोड़ा सेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, देखिए ये इस तरह से सेट हो जाएगी। और ये जो ऊन है इसे सेम कलर में फिनिशिंग कर लेंगे और इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से इसे इंसर्ट कर दें जिससे कि इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। एक बार जरूर ट्राई करें आप, बहुत आसान है, आप इजीली इसे बना सकते हैं।
क्योंकि डबल क्रोशिया से ही ये पूरा ट्यूटोरियल बन के तैयार होगा। देखिए इस तरह से ये हमारे स्पाइरल एयरिंग्स बनकर तैयार हो गई है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको अगले वीडियो भी समय पर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।